देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर में कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हुए दिनदहाड़े पुलिस थाने के सामने ज्वेलर्स की शॉप में महिला की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले फरार चल रहे बदमाश को आखिरकार पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। पकड़े गए बदमाश से दो अन्य लूट की वारदातों का खुलासा भी हुआ है। वहीं उसका एक साथी विनय साहनी अभी भी फरार है। पुलिस को बदमाश से छीने हुए चांदी के जेवरात घटना में प्रयुक्त बाइक भी बरामद हुई है। दरअसल मामला जबलपुर के बरगी थाने का है, जहां पुलिस की नाक के नीचे थाने के सामने ही एक ज्वेलरी शॉप में बीती 17 फरवरी को शॉप में बैठी वृद्ध महिला की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसे मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आरोपी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी राहुल रैकवार लूट किए गए सोने चांदी के जेवरातों की बिक्री करने की फिराक में था। पकड़े गए आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल करते हुए वारदातों का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस उसके साथी की तलाश में जुट गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये ज्वेलरी की दुकान पर एक सिंगल जो रॉबरी की घटना हुई थी मिर्ची पाउडर छोड़कर, उसके संदर्भ में है। एक आरोपी राहुल रैकवार को हमारी टीम ने अरेस्ट किया है। विनय साहनी अभी भी फरार है, बहुत जल्दी उसे भी पकड़ेंगे। इसमें एक अपराध पे जो चांदी के जेवर गए थे, एक डिब्बी लेके वहां से भागे थे, वो सारे जेवर हमने जब्त कर लिए हैं। घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल है, घटना के समय जो कपड़े पहने थे वो हमने जब्त किए हैं। 16 और 17 तारीख को लगातार 3 वारदात ज्वेलर्स की दुकान पे हुई। मोडस ऑपरेंडी बहुत ही इनकी स्पेसिफिक थी और तीनों घटनाओं में बड़ी सिमिलैरिटी थी। तीनों घटनाओं में ये दोनों आरोपी ग्राहक बन के गए और सामान दिखाने के नाम पे डिब्बी लेकर वहां से भागे, और भागने से पूर्व ज्वेलर की आंखों पर इन्होंने मिर्चा पाउडर छोका था, मिर्ची का पाउडर छोका था। पहले दिन से ही लग रहा था, पहले आधारता घटना हुई, फिर उसके बाद भरगी घटना हुई, और भरगी के बाद गोरखपुर में घटना हुई, और तीनों घटनाओं की जो समानता थी और जो हमें वीडियो फुटेज मिले उससे बहुत ही स्पष्ट हो गया था। पहली घटना में आधारता CSP और TI से जो हमारी बात हो रही थी, एडिशनल SP से बात हो रही थी, जो व्यक्ति था जिसका मुंह खुला था और जिस तरह की उसकी पूरी बॉडी कॉम्प्लेक्शन था, चलने का ढंग था, उसे ये चिन्हित कर लिया गया था। हमारी टीम लगातार लगी थी। परिणाम ये था कि हमने दोनों को में से एक को अरेस्ट किया है और जल्दी हम साहनी को भी अरेस्ट करेंगे, और जो दोनों माल हैं दोनों अपराधों के उसे भी हम जब्त करेंगे।